no पैसे हेलो 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 इसमें नहीं है ना, बाहर है, मेरे को इसमें चाहिए। हेलो
प्रथमनि मंत्रणा पुने हे लंबोदर परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि गद्दे की व्यवस्था करी है, पर कोई गद्दे पर बैठेंगे नहीं। आजकल सब कुर्सी के प्रेमी हैं। कोई बात नहीं, जहां आप बैठे हैं वहीं कृपया अपना जूता चप्पल उतार के नीचे सरका दीजिए। हम लोग परमात्मा की, प्रभु की, भक्ति की कथा में आए हैं। सबसे पहले भक्ति का निरूपण होना आवश्यक है। मेरी बात पर गौर करिएगा। कोई भी जूता चप्पल पहन के ना बैठे। आजो आजो थे पार्वती लाल गजानन थारो ध्यान धरो। आजो आजो थे पार्वती Yeah।
इंद्रेश्वर को वंदन करते हैं, इंद्रेश्वर को वंदन करते हैं, हाथ जोड़ कर चरणों में देवा, हाथ जोड़ कर चरणों में हम शुभ अभिनंदन करते हैं। पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, हाथ जोड़ कर चरणों में देवा, हाथ जोड़ कर चरणों में हम शुभ अभिनंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं। देवो भव पितृदेवो भव, वेद पुराण बताते हैं सब, वेद पुराण बताते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं। सबसे प्रथम मनाते हैं, सबसे प्रथम मनाते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं। संतान बढ़ाते हैं सब, सुख संतान बढ़ाते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, पितरेश्वर को वंदन करते हैं, हाथ जोड़
से ध्यावे जो पितरों को मन से ध्यावे जो पितरों को मन से ध्यावे जो पितरों को मन से ध्यावे बेड़ा पार लगाते हैं यही बेड़ा पार लगाते हैं ओ बेड़ा पार लगाते हैं यही बेड़ा पार लगाते हैं पितरेश्वर को वंदन करते 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 महाराज की जय बोशी पितरानी महारानी की जय बोलो राम राम बोलो राम राम कि सबसे पहले नाम लेना चाहिए हनुमान का कि जिनके सुमिरन से सदा दर्शन होता श्री राम का असुर मारे लंकपों की ये काम था गुणवान और हमको तो भई एक भरोसा श्री सालासर हनुमान का और श्री सालासर बालाजी महाराज की जय क्योंकि प्रेमियों हमेशा जब भी कथा होती है नारायण की कथा होती है भगवान की कथा होती है माता की कथा होती है दादी की कथा होती है बाबा की कथा होती है परंतु आज जिस परमात्मा ने जिस कन्हैया ने जिस ठाकुर ने अपनी लीला उस भक्त के लिए समर्पित की जिसे वो भक्त राज कहते हैं और ऐसे भक्त राज के कथा में ऐसे भक्त राज की कथा में आइए सबसे पहले भक्त शिरोमणि का आवाहन करें कहें क्या बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम अगर रिझाना है हनुमत को 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 कर लो ये शुभ काम बोलो राम राम अगर रिझाना है हनुमत को अगर रिझाना है हनुमत को कर लो ये शुभ काम बोलो राम
अधूरे हैं हनुमत प्रभु श्री राम बिना, अधूरे हैं हनुमत प्रभु श्री राम बिना, अधूरे राम प्रभु मेरे हनुमान बिना, अधूरे राम प्रभु मेरे हनुमान बिना। ये दोनों तो ऐसे जैसे, ये दोनों तो ऐसे जैसे ओ जिस्म जान, ये दोनों तो ऐसे जैसे ओ जिस्म एक जान। बोलो राम राम, 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 बोलो राम राम। जय हो, जय जय। राम की शक्ति है मेरे बजरंग बली, राम की शक्ति है मेरे बजरंग बली, बिना बजरंग के तो राम मिलते भी नहीं, बिना बजरंग के तो राम मिलते भी नहीं। भव से पार लगाए तुझको, भव से पार लगाए तुझको वो अक्षर का नाम, भव से पार लगाए तुझको वो अक्षर का नाम। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। ओ अगर रिझाना है हनुमत को, 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 कर लो ये शुभ काम। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। तुझे हनुमान मिले, राम की भक्ति कर तुझे हनुमान मिले, याद कर हनुमत को राम मिले, तुझे श्री राम मिले, याद कर हनुमत को तुझे श्री राम मिले। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू आंसू एक समान। बोलो राम राम, 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 बोलो राम राम। अगर रिझाना है हनुमत को, 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 कर लो ये शुभ काम। बोलो राम राम, 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 बोलो राम।
जो लोग देरी से आए हैं उनके लिए बता दूं, कृपया जूता चप्पल वहीं खोलकर कुर्सी के नीचे सरका दीजिएगा। कोई भी जूता चप्पल पहनकर, वैसे तो बाहर ही खोलना चाहिए, अब क्या कहूँ, शायद व्यवस्था सुचारू रूप से आज नहीं बन पाई, पहला दिन है, कल हो जाएगी। मेरा निवेदन है कृपया जो अभी भी जूता चप्पल पहनकर बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, इस बात का ध्यान रखिए, मेरा मेरे कहने से नहीं, ठाकुर के सम्मान के रूप में उतार लीजिए, है ना। दे और आइए साक्षात भगवान मदन मोहन लाल, जो अपने अनुपम स्वरूप के लिए ब्रह्मांड में ख्यात विख्यात हैं, उन ठाकुर जी का ध्यान करते हुए मनसा वाचा कर्मणा पूरी तरह से ठाकुर जी के चरणों में लीन होते हुए इस भक्त रस, इस भक्ति कथा का रसपान करिएगा। आपने नानी भाई का मायरा टीवी के माध्यम से, संस्कार टीवी और अन्य चैनलों पर भी आता है आजकल, आपने सुना होगा। वक्ता अपने हिसाब से हर एक कथा को निरूपित करते हैं। मेरा निवेदन है आप सभी से, आज की कथा ये तीन दिन आपको वो देखने और वो सुनने मिलेगा जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि मैं तीन दिन की कथा में ना तो सुदामा चरित्र बीच में डालूंगा, ना कर्माबाई का चरित्र बीच में डालूंगा, ना किसी दूसरे, मेरी कोई संस्था भी नहीं है जिसके लिए मैं आपसे दान मांगूंगा, केवल और केवल आपको भक्ति का रसपान कराऊंगा इस भक्ति कथा के माध्यम से। केवल और केवल नरसिंह जी और नानी बाई का नाम, नरसिंह जी और नानी बाई की कथा दृष्टांत के रूप में कहीं कोई भक्त का नाम ले लें, क्योंकि भक्त प्रवर हैं सारे के सारे, वो बात अलग है, परंतु केवल और केवल तीन दिन नरसिंह जी और नानी बाई का ही बखान, उनकी ही कथा का व्याख्यान होगा। सो पूरी तरह से ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को लीन करते हुए, और कहीं भी, और कहीं भी मन को मत लगाइएगा सिवा ठाकुर के, और परमात्मा से इन तीन दिनों के लिए नहीं, अपितु अपने संपूर्ण जीवन को सार्थक करने के लिए यही मांगिएगा जो इस भजन के माध्यम से हम और आप मांग रहे हैं। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। गाइए, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे
रहे मेरे मुख में सदा तो राधा राधा कृष्ण ओ मीरा केशव ओ राधा केशव ओ मीरा केशव मरने से जीने से का ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम बिठा लो प्रभु चरणों में अपने बिठा
अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अपने में मुझको मिला लो प्रभु, हाँ अपने में मुझको मिला लो प्रभु। रटू तेरा नाम सुबह और शाम, रटू तेरा नाम सुबह और शाम, रटू तेरा नाम सुबह और शाम, रटू तेरा नाम सुबह और शाम। ओ राधा के शाम, ओ मीरा के शाम, 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 ओ राधा के शाम, ओ मीरा के शाम। आइए भक्त प्रवर नरसिंह मेहता की कथा को प्रारंभ करें। आज का सत्र और आज के इस सत्र में भक्त नरसिंह मेहता की कथा की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इस पुण्य भूमि आर्यावर्त में और इस आर्यावर्त के सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ नामक गांव, और इस जूनागढ़ नामक गांव में विक्रम संवत 1470 में भक्त प्रवर नरसिंह जी का जन्म हुआ। पिता कृष्ण दामोदर दास और माता लक्ष्मी गौरी की ये संतान नागरवंशी ब्राह्मण कुल, और नागरवंशी ब्राह्मण कुल में जन्म नरसिंह मेहता। विक्रम संवत 1470 की ये घटना, जिस कृष्ण दामोदर दास के आंगन में ये फूल खिला, इनके बड़े भ्राता भी थे एक जिनका नाम दामोदर दास, और नागरवंशी ब्राह्मण ये नरसिंह मेहता धीरे धीरे बड़ी होने लगी। शिवजी का परम भक्ति पूरे घर परिवार में फैला, केवल कट्टर शिव भक्त सारे के सारे। साक्षात हम लोग देखते हैं ना, जैसे सावन में घर घर में रुद्राभिषेक होते हैं, शिवजी के नरसिंह जी के यहां 365 दिन रुद्राभिषेक, इतने कट्टर शिव भक्त। यहां तक कि भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी और देवता को देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसे भक्त प्रवर नरसिंह में कि जिनके लिए कथा में निरूपित हुआ है, अरबपति धन का नहीं पारा गहना राखे देवे उधारा। जिनके परिवार का काम साहूकारी का काम उस जमाने के आज से लगभग 625 साल पहले, 600 साल से ऊपर की ये कथा था। उस समय के अरबपति, आप सोचिए क्या हो गया, उस समय के अरबपति धन का नहीं पारा गहना राखे देवे उधारा। उस जमाने के साहूकार नरसिंह मेहता, माता नरसिंह मेहता का जैसे ही जन्म हुआ माता पिता का देहांत हो गया। बड़े भाई दामोदर दास और नरसिंह जी, इन दोनों के साथ बूढ़ी दादी, नरसिंह जी की दादी, वो पालन पोषण करती अपने दोनों पोतों दामोदर दास जी के और नरसिंह जी के। दोनों भाइयों के बीच बहुत अंतर था, कई वर्षों का अंतर था, और अपने पोते का लालन पालन करती नरसिंह जी की दादी। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे एक साल डेढ़ साल का होने लगते हैं तो मामा बाबा काका कुछ ना कुछ तो बोलने लगते हैं। नरसिंह जी बड़े होने लगे लेकिन नरसिंह जी की वाणी नहीं आई। बूढ़ी दादी
हमेशा परेशान रहती भगवान या क्या उसी मारे वो तो बोला है कोई ए रवाणी तो नहीं मारा। और नरसिंह जी की दादी सारे गांव में जड़े जड़े भी कोई संत महात्मा आता वहां के सामने जा जाकर और सह सह प्रार्थना करती रहती। अरे कोई तो ईसु आवे जो मारे पोते के वाणी दिरावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। नरसिंह जी की दादी देखी गांव में कोई सिद्ध महात्मा आया है धीरे धीरे लाठी फेंकता हुआ या मंगल में पूछी अरे महाराज कटे से आया हो थे मारे पर कृपा करो मारे घर जीवने आओ महाराज। पहली छोटा छोटा गांव में जब भी संत महात्मा आता सारो गांव एक एक दिन एक एक टाइम कोई सवेरे कोई शाम जीवने बुलातो। नरसिंह जी की दादी भी संत ने जीवने अपने घर बुलाई संत घर पधारिया बने आसन दियो आओ महाराज आओ आओ मारे आंगण में बिराजो। नरसिंह अरे बेटा नरसी जा भोजन की व्यवस्था कर कहता है। और कहीं महाराज सब बढ़िया तो खूब सारा पकवान सामने धरिया भरपेट भोजन करियो कोई संकोच मना राखी उठे। बसंत पेट भर के भोजन करण लाग्या वाह बहुत स्वादिष्ट बहुत स्वादिष्ट। धीमो धीमो और कहीं ले आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया माई बहुत बढ़िया भोजन कराया बहुत बढ़िया भोजन कराया। मैं चाहूं कुछ मांग लो। अरे महाराज अभी उम्र में मैं काई मांगू मैं मांग कर भी काई मांग ले मैं बूढ़ ली अब मरवा न टीक रही हूं मैं काई मांगू। नहीं माई थे माने बहुत चोखो भोजन कराया जना मैं आपने कुछ देना चाहूंगा कुछ भी आशीर्वाद मांग लियो। अरे महाराज
मैंने बोली लेने का ही आशीर्वाद दियो थाने देनो है ते मारे पोते के सिर पे हाथ रखो कोई शो चमत्कार करो कोई सी बात करो ओ बचपन से आज तक 9 बरस को ही क्यों आलता ही बोले कोनी बोले कोनी हाँ महाराज मारे ही पोते के वाणी कोनी आई इन्हें वाणी दीवा जो बस और तो क्यों ही कोनी चाहे बुढ़िया माई देनो करनो यो सब तो ठाकुर जी को काम है मैं तो केवल प्रार्थना करके आशीर्वाद दे सकूं और वे संत नरसी के सिर पे हाथ रखिया नरसी ने कहन लाग्या नरसी बोलो राधे कृष्ण नरसी खड़िया हो जाओ बोलो राधे कृष्ण हाँ हाँ प्रयास करो प्रयास करो बोलो राधे कृष्ण हाँ बोलो बोलो नरसिंह राधे कृष्ण बोलो बोलो नरसिंह राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण नरसिंह के वाणी से पहलो शब्द निकलियो राधे कृष्ण राधे नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सदैव कल्याण हो ठाकुर जी थारी रक्षा करे ठाकुर जी तने सेवा में राखे थारो कल्याण हो थारो कल्याण हो बूढ़ली दादी आपके पोते कैसा गए एकदम सुचारू रूप से रहती हुई एकदम आनंदित होकर रहने लगी कीर्तन करता हुआ शिव जी की परम भक्त दादी कहने लगी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
भक्त शिव जी। समय बीत तो गयो, नरसिंह जी बड़ा होता गया। बूढ़ली दादी को स्वर्गवास हुयो, अठिने भाई दामोदर दास को विवाह हुयो। जब बूढ़ली दादी थी तभी दामोदर दास जी को विवाह हो गयो थो। बूढ़ली दादी के जाने के पश्चात तुरंत ही नरसिंह जी को ब्याह हो गया। नरसिंह जी के लिए कथा में आवे है, नरसी लगन भयो तीन बारा, जामे द्रव्य लग्यो लख चारा। नरसिंह जी को तीन बार ब्याह हुआ। सबसे पहलो ब्याह हुयो नरसिंह जी को, पत्नी एक पुत्र ने जन्म दियो, नाम रखे गयो श्यामल दास। और भी पुत्र ने जन्म देता ही नरसिंह जी की पत्नी स्वर्ग सिधार गई। नरसिंह जी दूसरो ब्याह किया, दूसरो ब्याह हुयो, यथा समय नरसिंह जी की पत्नी गर्भवती हुई, एक पुत्री ने जन्म दियो, गुजरात में रहने वाले की कथा है। नाम तो कोरी भाई रखियो गयो भी पुत्री को, पर चूंकि बड़ा भाई श्यामल दास और छोटी बहन कोरी भाई, तो श्यामल दास ने मोटा भाई कहता और कोरी भाई ने नानी भाई नाम रखियो। जगत विख्यात है नरसिंह जी की कथा में नानी की नाम को और नानी को बड़ो महत्व है। भक्ति की पराकाष्ठा इसी कि ठाकुर जी ने इस संसार में आने पर विवश कर दिया महाराज। साक्षात परमात्मा की कृपा किया हुए या आ कथा आपने बतावे है। नरसिंह जी विवाह करिया तीसरो, पत्नी को नाम तो माणिक गौरी, पत्नी को नाम तो माणिक गौरी। क्लोजअप रखो, क्लोजअप। नरसिंह जी तीसरो ब्याह करियो, पत्नी आई नाम तो माणिक गौरी। पहली पत्नी से पुत्र, दूसरी पत्नी से पुत्री और तीसरी पत्नी माणिक गौरी। तीनों पत्नी माणिक गौरी, श्यामल दास, नानी बाई और नरसिंह जी। कुछ एक समय यहां को आयो, दोनों भाइयों में बंटवारे की बात हो गई, दामोदर दास में और नरसिंह जी मेहता में। दोनों भाई एक जगह बैठिया, नरसिंह जी हाथ जोड़कर बड़ा भाई ने कहने लगा, महाराज आप बड़ा हो, आपने जो उचित लागे वो आप रख लो और जो नहीं चाहिए वो मने दे दो। नरसिंह जी परम कट्टर शिव भक्त, बचपन से नाम तो राधे कृष्ण लियो, वाणी भगवान ठाकुर के नाम पर आई, परंतु नागरवंशी ब्राह्मण और कट्टर शिव भक्त परिवार, शिवजी के अलावा किसी और के लिए जाने भी नहीं। कि नागरवंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी, शिव की महिमा बहुत बखाने, विष्णु भक्ति सुपने नहीं जाने, गोधन वृषभ विभवाति।
बहुगुमासता सेवक दासा लक्ष्मी बसे सदा तिन पासा जा जा चले दिसावर जावे कर दे पार माल बहुलावे अरब पति धन का नहीं पारा गहना राखे दे उधारा सब ही रिद्धि सिद्धि चली आई कब हो न खूटी सदा सवाई कब हो न खूटी सदा सवाई। जो बड़ा भाई से हिस्से में मिलियो बिना लेकर आपके व्यापार ने खूब बढ़ायो कथा कहे है जा जा चले दिसावर जावे इनके नाम का जहाज चलता जहाज अन्य दिशावर में जाकर खूब माल कमाई और खूब दुगना तिगुना चौगुना चालीस गुना बढ़ गया नरसिंह जी इतनो व्यापार करियो इतनो धन कमायो जिका की कोई हद नहीं। परंतु भी गांव में एक अज्ञात बीमारी आई और भी अज्ञात बीमारी में पुत्र श्यामल दास की मृत्यु हो गई विवल नहीं हुआ नरसिंह जी पुत्र की मृत्यु पर भी विवल नहीं हुआ हे ठाकुर अगर तेरी आई मर्जी है तो तेरी मर्जी में भी मैं राजी हूं राजी हूं आपके बेटे की अर्थी पर रोया नहीं सा हाथ में खड़ताल लिया कीर्तन कर रहा था शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी नंदी भृंगी नृत्य करत है नंदी भृंगी नृत्य करत है सुमन भक्तन शिव के दासी बम बम शिव कैलाश पति 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 कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दर्श दीजो आप तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर सब अपराध क्षमा कर शंकर भिंकर की विनती सुनियो जय शिव कैलाश पति जय जय शिव कैलाश पति बम बम शिव कैलाश पति बम बम शिव कैलाश पति बापू बापू छोटी सी नानी नरसिंह जी के पास दादी दादी रो मत बेटा रो मत जो भोलेनाथ की इच्छा तेरो भाई कहो कोई बात नहीं बापू अब मैं राखी कीने मानूंगी बापू बेटा तू चिंता मत कर यो सावर सागिरधारी यो सावर सागिरधारी है ना तू इन्हें राखी बांध इन्हें आप पूजा नहीं तो के हो इन्हें तू भाई तो बना ही सके है मेरी बात मान बेटा बापू मैं ही सांवरिया गिरधारी ने अपनो भाई बना लू मेरी मेरी अड़ी में यो आवे गो के हाँ बेटा सांवरियो सबकी सुने ले या राखी ले
राखी बंधवा ले मेरा वीर रे, राखी बंधवा ले मेरा वीर, सावर सा आए उड़ा जे मन चीर रे, राखी बंधवा ले मेरा वीर रे, राखी बंधवा ले मेरा वीर, सावर सा आए उड़ा जे मन चीर रे, राखी बंधवा ले मेरा वीर। ठाकुर जी के राखी बांध कर आपको भाई बना लियो, जाकर प्रणाम करी है ठाकुर के चरणा में, सावैसा मैं जब भी बुलाऊं थे आ जाना, ना मत करना कभी भी, ना मत करना। ठाकुर ने आपको बीरो मानकर, ठाकुर पर आपको हक जानकर, नरसी आपके रोज के जीवन यापन में लाग गई, जितनी रक्षा में बात को क्षोभ नहीं करियो, कभी दुख नहीं करियो कि महाराज मेरे भाई नहीं है। ठाकुर ने अपनो धर्म को भाई बना लियो। अठी विपरीत परिस्थितियां में भी अपने आप ने कई सम रखना चाहिए, यो भक्त नरसिंह मेहता सिखावे है प्रेमियों। दुख की घड़ी में भी आपने जरा सो कुछ हुए और आपा परमात्मा ने ओढ़ वो देवा लाग जावा कि देखो भगवान थे मारो यहां कर दियो, अरे भगवान तू नहीं करियो, करिया है अपना कर्म, अपना कर्म वह ई जन्म का हो अगले जन्म का नजर में दूसरे जन्म का हो, और कर्मा ने अगर शुद्ध राखनो है महाराज एक काम अवश्य करो, और या जिम्मेदारी खास कर जो दादी बन गई है जो दादा बन गया बाकी जिम्मेदारी है थान बता दू, घर के छोटे छोटे टाबरा ने घर के आपके पोता पोतियां ने कम से कम रोज को एक हनुमान चालीसा करने की आदत रखो। पहली जब मैं लोग छोटा हाँ हमारी दादी आंगड़ी पकड़कर मंदिर लेकर जाती रोज सवेरे चरणामृत लेने की आदत, तुलसी दल ने दांत से नहीं चमाण यो बचपन में ही दादी बता दी थी, पंडित जी बता दिया था मंदिर में, आज की दादियां को यो कर्तव्य है टीवी सीरियल और मोबाइल तो बाद में, पहली एक हनुमान चालीसा की आदत रखो, क्योंकि जब और कोई नहीं होगा काम तो श्याम ही आएगा, काम तो हरि ही आएगा,
दूसरा कोई नहीं आने वाला साहब, कोई नहीं आने वाला। अपने घर में यो संस्कार को बीज रोपण करो। मेरो विश्वास है, मैं दावे के साथ कह सकूं प्रेमियों, जब हनुमान चालीसा करने की आदत टाबरा ने बचपन से रहेगी, जब भी जीवन में अगर गलत संगत में भी अगर पड़ जाएगा, अगर कुछ गलत कर लिया है तो एक बार तो मन में विचार जरूर आवेगा कि आपा यो गलत कर लिया, और वो एक बार को विचार कईया ने गलत रास्ते से मोड़ कर और सीधे रास्ते पर लिया हो, इस बात पर जरूर से ध्यान दियो महाराज। घर में चार तरह की रोटी हुए थाने बताऊं, आजकल चौथी रोटी को चलन थोड़ो ज्यादा है। सबसे पहली रोटी मां के हाथ की, जब आप बेलती जावे ना, बेलती टाइम भी रोटी के मायने प्रेम ममता वात्सल्य करुणा भर भर के भी के मायने डाली डी रेवे, जना भी रोटी को स्वाद अनोखो आवे। पहली रोटी मां के हाथ की, दूसरी रोटी पत्नी के हाथ की, जिनमें प्रेम भी है, सौहार्द है और साथ में है समर्पण। पूरी तरह से अपने परिवार ने छोड़कर आकर ई परिवार के मायने अपने आप ने झोंक देने वाली बहु है, एक बहु एक पत्नी। बीके अंदर प्रेम को भाव है, बीके अंदर समर्पण को भाव है, भी इस रोटी में भी स्वाद अलग है। परंतु भी के बाद तीसरी रोटी को नंबर आवे बहु के हाथ की रोटी, जो अब ई उम्र में बुआ जी मिल रही है ना। बी तीसरी रोटी के मायने कर्तव्य तो है, स्वाद भी है, पर कर्तव्य को स्वाद है। और जो आजकल घर घर के मायने हो रही है बा चौथी रोटी, पूछो कौन सी, नौकरानी के हाथ की रोटी, नौकरानी के हाथ की रोटी। भी मैं ना तो प्रेम है, ना ममता है, ना वात्सल्य है, ना समर्पण है, ना कर्तव्य है, वो सिर्फ कर्म है। स्वाद तो बिल्कुल ही कोई नहीं। मां के लिए कहो जावे प्रेमियों, नानी भाई ने बात हमेशा क्षोभ मन में रह तो बड़ी होगी तब भी, मां तो है कौन माणक गौरी पर सौतेली मां है। मन में हमेशा ही बात को क्षोभ रह तो कि मारे मां जाई मां को नहीं, मां जायो बीरो को नहीं। कन्हैया के राखी तो बांध रही है पर वो विश्वास कठे ना कठे डगमगा जावे महाराज। हमेशा कर्म की रोटी से दूर रहो, प्रेम वात्सल्य करुणा समर्पण कर्तव्य की रोटी में स्वाद है, कर्म की रोटी में स्वाद को नहीं, बा कर्म की ही रोटी है जो सिर्फ कर्म से मिल रही है। कर्म इन द सेंस भाग्य, केवल भाग्य से मिल रही है और कुछ नहीं। जिन्हें आपा बोला ना कि रेडी मिल रही है, आयती मिल रही है, बस वह आयती मिल रही है बिकती बात समझो, बाकी और क्यों भी कमाई नहीं। नानी ने हमेशा ई बात को शोभ रहे तो कि रोटी तो मिल रही है पर वात्सल्य की कमी है। नानी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और यथा समय नरसी जी आपके पास को सब कुछ भरपूर जो है अरबपति है भी जमाने का, आपकी बेटी के दान दायजे में खूब दिया। नगर हजार के सेठ सिरंग राय जी के पुत्र बसंत राय जी के साथ नानी को विवाह हुयो। बारात आई नगर हजार से, खूब दान दायजो देकर आपकी बेटी ने विदा किया नरसिंह जी महाराज। और Thank you.
नरसिंह जी आपके गांव में आपकी बेटी ने तो विदा कर दिया और भरपूर प्रचुर मात्रा में धन धान्य से संपन्न होने के बावजूद दान धर्म कर्म में पीछे नहीं रहता। एक बार नरसिंह जी के गांव में एक रासलीला मंडली आई और भी रासलीला मंडली भी गांव में जब पतोक रहे हो कि महाराज अठे कौन है जो मारे मदद कर सके, जो मैं अठे गांव में रहकर एक महीना तक रासलीला करना चाहवा, माने कोई मदद कर दे, कोई सीधो आटो दे दे, कोई मारी व्यवस्था करा दे। मालूम पड़ियो ई जूनागढ़ को तो एक ही सेठ है, नगर सेठ है कौन? नरसिंह मेहता। आप उनके घर चले जाओ, आपका सगड़ा काम हो जाए। नरसिंह जी आपके गद्दी में बैठोड़ा और रासलीला मंडली वाला प्रवेश करिया। महाराज नरसिंह जी की जय हो, नरसिंह जी की जय हो, नरसिंह जी की जय हो। अरे भाई मारी क्यों जय बोल दिया? बोलनी है तो भगवान भोलेनाथ की जय बोलो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। महाराज मैं आपके जूनागढ़ में रहकर कुछ दिन रासलीला करना चाहवा, कोई व्यवस्था हो सके? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं मेरी सराय में थाने रुकवा दूंगा, बड़े ते आराम से रहो, रासलीला करो। और हाँ ये लो कुछ धन रखो, इसे सीधा आटा की व्यवस्था कर लेना, जाओ आनंद से रहो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। रासलीला मंडली भी धर्मशाला में रह गई। अठीने नरसिंह जी आपकी गद्दी में रहा, कई सारा दिन हुआ जद भी रासलीला मंडली गांव में चालती रही। सब कोई लोग बड़ा मंत्रमुग्ध हुआ, कई लोग नरसिंह जी ने जा जाकर कहा नरसिंह जी थे भी चलो एक दिन रासलीला में। बोले नहीं रे, वो तो वो कहीं दूसरा भगवान को है, बीमा आपनों का ही काम, आपा तो कट्टर भोलेनाथ का भक्त। हां भोलेनाथ के सिवा और कोई की कथा देखा भी कोनी और सुना भी कोनी। नरसिंह जी ने बार बार कहा पर नरसिंह जी जाने के लिए तैयार नहीं। आखिर में भी रासलीला में एक दिन महाराज को दिन आयो, जिमें महाराज को प्रसंग थो भी रासलीला में भी दिन नरसिंह जी ने चीफ गेस्ट बोलकर प्रमुख अतिथि बोलकर बुलायो गयो। नरसिंह जी पहली तो ना नुकुर करी पर फिर बाद में जाने के लिए तैयार हुआ। और महाराज रासलीला के मायने साक्षात ठाकुर जी को सुंदर स्वरूप लेकर वो नट नाचने के लिए सामने आयो। नरसिंह जी बैठे बैठिया जाकर सामने और रासलीला प्रारंभ हुयो। Krishna Krishna राधा कृष्ण की छवि अलौकिक तीनों लोकों में छाई रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी शीश नवाई रही है। कृष्ण को गोकुल से गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाई रही है। दोनों करें स्वीकार निमंत्रण जोगन आरती गाई रही है। दोनों करें स्वीकार निमंत्रण
लोगन आरती गाए रही है। देखता रहा, मन में विचार करता रहा, नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, कैसा वो नजारा होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, कैसा वो नजारा होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन में बार बार ख्याल आ रहे हो, यो जो केवल एक नट है, ठाकुर कृष्ण को केवल एक रूप ले लियो, तो यो इतना सुंदर है। अगर यो इतना सुंदर है तो जो साक्षात परमात्मा कृष्ण होवेगा वह कितना सुंदर होवेगा। आपकी लगन में मगन नरसी जी अपने आप से ही बात कर रहे हैं। कोई नाटक मंडली वालों जाकर उठाए, अरे नरसी जी, ओ नरसी जी, क्यों हो भैया? अरे नरसी जी, कठे खो गया थे हैं? अरे भाई, मैं तो यो विचार कर रही हो कि अगर यो कृष्ण साक्षात मने मिल जावे। खैर कोई बात नहीं, नरसी जी आपके घर पधारिया,
नरसी जी आपके घरां पधारिया, नाटक मंडली वालों भी अपने काम में लाग गए हो, सब कुछ जमा करके नाटक मंडली को महाराज खत्म हुयो। नरसी जी विचार करता करता आपके घरां गया। लुगाई माणक गोरी जीमने के लिए बोली, नरसी जी जब जीमने बैठिया, थाली में गोल गोल फलको आवे तो भी फलका ने देखकर गोल गोल सांवरे की सूरत नजर आवे। नरसी जी जल पीने के लिए लोटो उठायो और जल को लोटो उठाता ही गोल गोल लोटा के मायने गोल गोल ठाकुर की सूरत में नजर आ रही है। नरसी जी जो कुछ भी काम करने जावे ठाकुर की मूरत सामने आवे। नरसी जी मन में विचार करने लगा, आज तक इतना बरसा से जिंदगी जा रही है, अधेड़ उम्र की अवस्था आ गई, आज तक मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा न करियो, आज तक मेरे सागे यहां कभी नहीं हुए कि भगवान भोलेनाथ अविरत मने दर्शन दे दिया हो, अविरत मने दिख दिया हो, मेरे स्वप्न में मने आभास करा दिया हो। ई कृष्ण में कुछ तो है, ई कृष्ण में कुछ तो है जो बार 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 आकर्षित कर रही है। नरसिंह जी विवल हो गया, करूं तो के करूं, एडी काई बात हो गई जो मने दिन रात केवल कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रही है। हे भगवान, आज तक यहां कभी नहीं हुई, पर मैं यह बात पूछूं तो पूछूं कि नहीं। नरसिंह जी के मन में ख्याल आयो, क्यों ना भगवान भोलेनाथ नहीं इ बारा में पूछना चाहिए। नरसिंह जी के मन में जज गई और 7 दिन और 7 रात बिना अन्न जल ग्रहण करिया। नरसिंह जी तप लेकर शिवालय में बैठ गया। हाँ, यही मार्ग ठीक है, मने मने भगवान भोलेनाथ नहीं मनानो चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। दिन और 7 रात की अटल तपस्या के बाद साक्षात भगवान भोलेनाथ बड़े प्रकट हो गया। भक्त नरसिंह, उठो नरसिंह। भोलेनाथ, भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मैं धन्य हो गए हूं भोलेनाथ, मैं धन्य हो गए हूं, मैं धन्य हो गए भोलेनाथ। उठो नरसिंह, उठो, हे भोले, पूरो जीवन चले गए हो मेरो आपके दर्शन ने पाने के खातिर। नरसिंह, किस कारणवश मेरो आवाहन करियो? हे भोलेनाथ, हे घनगट की जानने वाला, थे तो जानो हो, मने दिन रात कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा है। कृष्ण दिख रहा है या तो बड़ी अच्छी बात है,
हे भोलेनाथ, मने कृष्ण क्यों दिख रहा है, इस बात को ही उत्तर पाने के लिए मैं आपको आवाहन करियो। अच्छा, कृष्ण दिखनो बड़ो शुभ संकेत है नरसिंह, ये मैं घबराने की कोई बात नहीं। बरसा के पूजन के बाद, बरसा की तपस्या के बाद थे मेरो आवाहन करिया हो। बोलो नरसिंह, मैं थाने के वरदान दूं, मैं थाने के ईशो दूं कि थे प्रसन्न हो जाओ, ताकि मनचायो में देने के लिए प्रस्तुत हूं। बोलो नरसिंह, के दूं? हे भोले नाथ, अगर थे प्रसन्न हो हे ओगरदानी, तो मेरे पर एक ही कृपा करो। मोको और कछु नहीं चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाइए। मोको और नहीं कछु चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाइए। बस इतनी सी बात। एव मस्त आने वाली पूर्णमासी में जब साक्षात गोलोक में भगवान श्री कृष्ण महाराज को आयोजन करे, मैं भी महाराज में तने लेकर चलूंगा। नरसी, थारो कल्याण होवे, थारो मने बुलानो सफल हुयो। जा नरसी जा, अब भी दिन की प्रतीक्षा कर, जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मैं तने मिलाऊंगा। मैं धन्य हो गयो, मैं धन्य हो गयो प्रभु, मैं धन्य हो गयो, मैं धन्य हो गयो, मैं धन्य हो गयो। थारो कल्याण हो नरसी, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ बड़े से अंतर ध्यान हो गया। नरसी जी, आपके नित्य नियम के कामों में लाग गया और 20 दिन की प्रतीक्षा करने लाग गया। जिस दिन साक्षात भगवान भोलेनाथ आवेगा और नरसी ने गोलोक का दर्शन करावेगा, नरसी जी सवेरे से शाम तक बाट जोता रहा शरद पूर्णिमा के दिन, पर भगवान भोलेनाथ नहीं आया। थक हार कर भूखा प्यासा नरसी जी आपके शयन कक्ष में सो गया। आधी रात ने भगवान भोलेनाथ नरसी, भक्त नरसी, उठो नरसी। भोलेनाथ, भोलेनाथ क्या गया भोलेनाथ? हाँ नरसी, चलो थाने गोलोक लेकर चलो। भगवान भोलेनाथ अपने साथ नंदी पर बिठाकर नरसी ने गोलोक की ओर लेकर गया। गोलोक में जाकर जब पहुंचा है महाराज, कहीं देखे हैं महाराज की तैयारियां चल रही है। गोलोक के मध्य मंडल में नरसी मेहता के हाथ में एक कोई लाकर मशाल पकड़ा दी। 40 मशाल वाला घेर कर खड़ा था। बीते एक मशाल वालों कोई कम आयो। नरसी जी ने खाली खड़ा देखकर नरसी मेहता के हाथ में लाकर एक मशाल थमा दी। साक्षात भगवान त्रिलोकपति नारायण को अवतरण हुयो। भगवान गोलोक के मायने पदार्पित हुए आपकी सखिया के सागे और महाराज शुरू हुयो। Oh,
रे बजाए मंजीरे के गोपिया नाचे रौनक झुन काना बजाए बांसुरी और ग्वाले बजाए मंजीरे के गोपिया नाचे रौनक झुन काना बजाए बांसुरी और ग्वाले बजाए मंजीरे के गोपिया नाचे रौनक झुन जी रे
भक्ति का ढंग नया लागे रे लागे रे भाई भक्ति का ढंग नया लागे रे लागे रे भाई भक्ति का ढंग नया लागे रे लागे अचानक ठाकुर जी को याद आया कोई कोने में खड़ा है। जो ही ठाकुर ने देखा भोलेनाथ आप यहां गोलोक में कृष्ण का प्रणाम स्वीकार करें। हे श्री कृष्ण आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। दोनों ने एक दूसरे के अभिवादन किया हरि हर का मिलन हुआ। कहो भोलेनाथ आज कैसे आना हुआ? आपके लिए एक अनोखा भक्त लेकर आया हूं। अनोखा भक्त? कैसा भक्त? ऐसा अनोखा भक्त है मैं आपको बताऊं नारायण, जब भी कोई तपस्या करता है मुझे मनाने के लिए वो कोई ना कोई अमोघ वरदान पाना चाहता है। वो चाहता है कि धन वैभव ऐश्वर्य अमरत्व का वरदान मैं उन्हें दूं। परंतु ये एक भक्त मुझे ऐसा मिला जिसने तपस्या तो मेरी करी और वरदान में आपको मांगा है। मुझे वरदान में मांग लिया। इस भक्त ने, कौन है ये भक्त, कौन है ये भक्त मैं जानना चाहता हूं। हरि पूछे हर सो मुख मुड़कत सखा कहां ते आयो है। हरि पूछे हर सो मुख मुड़कत सखा कहां ते आयो है। नरसिंह जी मशाल लेकर ऐसे खड़े कि कब मशाल जलती हुई आस्तीन में लग गई। हाथ ऊंचा करके खड़े नरसिंह जी के बाह में आग लग गई। ठाकुर का एकदम से ध्यान गया। ठाकुर ने जाकर उस मशाल को उनके हाथ से झटका देकर गिराया। नरसिंह इतने तल्लीन हो गए। नरसिंह प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। कृष्ण, हे कृष्ण, आपका दर्शन पाने के लिए नेत्र कब से तरस रहे थे। नरसिंह मेरे स्वरूप को देखकर तुम तल्लीन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। परंतु नरसिंह ये आपने इतनी तल्लीनता दिखाई कि आपका हाथ तक जल गया। लाओ मैं आपकी वेदना को मिटा देता हूं। जो ही भगवान नारायण नरसिंह के हाथ पर से हाथ फेरियो जगत का कष्ट हरने वाला सगत जगत का पालनहार नरसी का कष्ट हरिया। नरसी का हाथ ज्यों का त्यों हो गया, बड़े बड़ा हाथ ज्यों का त्यों हो गया। नरसी भगवान राधा कृष्ण की जयकार करने लगे। पर कृष्ण चंद्र भगवान की
नरसी थारे जिसो भक्त पाकर मैं धन्य हो गया। नरसी थारे जिसो भक्त पाकर मैं धन्य हो गया। बोलो नरसी मैं थाने के दियूं। हे नारायण आपको दर्शन पाकर मैं सब कुछ पा चुके हूं। मने और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। शुचिता का परचायक दे रहे हो? नहीं नरसी मेरो मन है। हे नारायण अगर इतना ही अगर देने को मन है तो मने आपकी अविचल भक्ति प्रदान करो। मने और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अवश्य अवश्य नरसी मैं अपनी अविचल भक्ति के साथ थाने विशेष उपहार के रूप में राग केदारा दे रहे हैं। राग केदारा? हाँ नरसी यो राग केदारा सदैव थारे कंठ में निवास करेंगे। जब भी राग केदारा में थे गाओगा साक्षात मने अपने सामने पाओगा। हाँ नरसी लो ई अविचल भक्ति को प्रताप राग केदारा लो। ओ ओ राग केदारा नरसी के कंठ में स्थापित करिया भगवान नारायण और बड़े शंकर ध्यान हो गया। नरसी भी राग केदारा पाने की खुशी में आपके शयन कक्ष में आकर सोया। कद आकर सोया कुछ ध्यान को नहीं अचानक नींद खुली। नींद से जाग्या और देखा जी गोलोक की धरती पर सोया था वो गोलोक तो सब गायब हो गए। सामने खुद के महल को शयनकक्ष दिखाई दे रही हो। पत्नी माणिक गौरी ने आवाज लगाई। माणिक गौरी भी आई और नरसी जी ने एक एक बात याद आवन लगी। गोलोक की भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बे महाराज को आनंद और भी के बाद भगवान हरि और हर को मिलन। हरि हर के मिलन के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारा विशेष उपहार के रूप में राग केदारा को मिलनो। नरसी जी ने यह सब बातें स्वप्न के भांति लागने लगी। मन में विचार करियो कठैयो स्वप्न तो नहीं थो। और ये बात की सत्यता ने परखने खातिर नरसी जी राग केदारा ने गाने के लिए जो ही मुंह खोलियो साक्षात राग केदारा नरसी जी के कंठ से निकलने लाग्यो। दर्शन दो घन श्याम दास मोरी अखियां प्यासी। दर्शन दो घन श्याम दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। मन मंदिर में जोत जगा दो। मन मंदिर में जोत जगा दो। घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। दर्शन दो घनश्याम दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। दर्शन दो घनश्याम
मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी, युग बीते नाई मिलन की, युग बीते नाई मिलन की, पूरण मासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम। कीर्तन करता हुआ नरसिंह जी महाराज ने साक्षात मानो भगवान नारायण का दर्शन हुआ। भगवान नारायण स्वयं नरसिंह जी के सामने प्रकट होकर दर्शन दिया। नरसिंह जी ने विश्वास हो गयो, आपस में आढ़त पड़ी और पक्की भई पिछाड़, कागज दी जो द्वारिका, सांवर सासेना। नरसिंह जी को रोज को नियम, रोज नरसिंह जी ठाकुर जी के मंदिर जाता, और अब शिव जी की पूजा तो एक बराबर रह गई, ठाकुर जी की सेवा में मगन हो गया नरसिंह जी। बठे गोलोक में साक्षात भगवान कृष्ण और राधा में वार्तालाप होने लगे। प्रभु, बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा हो रही है। इच्छा? कैसी इच्छा देवी? वैसे तो इस संसार में आपके अनेक भक्त हैं, परंतु कोई विशेष भक्त भी है जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो? हाँ, मेरा तो एक ही भक्त है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अच्छा, कौन है वो भक्त? रुक्मणी, ऐसा तो मेरी नजर में केवल एक ही भक्त है, और वो है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, बड़े बड़े साधु संत वर्षों की तपस्या के बाद भी आपको प्राप्त नहीं कर पाते, और इन नरसिंह जी ने तो सीधे शिव जी की कृपा से ही आपको पा लिया था, उसमें क्या विशेष है? क्यों देवी, विशेषता के लिए क्या शिव जी की कृपा काफी नहीं? स्वामी, मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं था। मैं तो ये चाहती हूं, अगर ये इतना विशेष भक्त है तो क्यों ना हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा? जब जब भक्त की परीक्षा, भक्ति की परीक्षा तुमने ली है, तुम्हें हार ही मानना पड़ा है। रुक्मणी, मेरी बात मानो, इस बार तुम परीक्षा का विचार त्याग दो। नहीं स्वामी, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो भक्त कोई और थे जो सतयुग द्वापर और त्रेता में हुए थे, परंतु ये कलयुग है। यहां अपने भक्ति पर अड़िग रहना, यहां अपने सत पर अड़िग रहना कोई साधारण बात नहीं है। स्वामी, मेरी बात मानिए और नरसिंह की परीक्षा लेने के लिए चलिए। तुम नहीं मानोगे।
ठीक है चलो। गोलोक से साक्षात भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी भेष बदलकर जहां नरसिंह जी पूजा पाठ में मगन हैं, जहां नरसिंह जी पूजा पाठ में मगन हैं, वहां राधे गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, मेरो प्यारो नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, मेरो प्यारो नंदलाल, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, राधे गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, राधे गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, राधे गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल। पूजा खत्म हुई, रोज को नियम थो जो भी कोई भिक्षुक भी समय द्वार पर आतो नरसिंह मेहता बिने मन चाहे उपहार देता। आज पूजा खत्म करी और नरसिंह जी मंदिर के बाहर आया और देखे हैं कुछ भिक्षुकों की लाइन लगी है। दया करना सेठ, बहुत दुखी हूं, कुछ दे दो, कुछ दे दो। अरे भाई, दया करना तो मेरे सेठ का काम है, सांवर सा सेठ का, मेरा नहीं। अरे नरसिंह जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रिया हो। क्यों भाई, इसी के बात होगी, यहां क्यों बोल रहे हो? अरे नरसिंह जी, बड़ा धनी हो जना भक्तराज कहाओ, वरना कौन पूछे ही संसार में। नहीं नहीं नहीं, यहां क्यों बोल रहे हो? मैं मेरा ठाकुर तो जया मैंने दिया है, मैं वही दे रही हूं, मेरी जय जयकार मत करो, मेरे ठाकुर मेरे परमात्मा की जय जयकार करो, बस मैं तो यही चाहूं। नरसिंह जी, जब तक यह माया पास में है ना, ई माया के रहता मायापति से मिलन नहीं हो सके हैं। जब तक यह माया पास में रहेगी, मायापति से लौ नहीं जुड़ सके हैं, नहीं जुड़ सके हैं। अरे भाई,
या तो बहुत ही सुंदर बात है बोली, ये लो सब, मने नहीं चाहिए, ये सब ले लो, ये सब ले लो। आज से मेरी आंखियां खोल दी, थे मेरी आंखियां खोल दी, मने नहीं चाहिए ये सब, मने धन दौलत नहीं चाहिए, मने माया नहीं चाहिए, मने मायापति चाहिए, मने मायापति चाहिए, मायापति चाहिए, मायापति चाहिए, मने मायापति नहीं चाहिए, मने सब कुछ। भगवान नारायण जो साक्षात परीक्षा लेने के लिए आया, नरसिंह जी अपनो सारो को सारो धन दान लुटा कर मैंने देवन ला गया और पूरी तरह से आपको सब कुछ भिक्षुक बनेड़ा ठाकुर के झोड़ी में दिया। भिक्षुक बनेड़ा ठाकुर बड़े से सब कुछ लेकर चला गया। नरसिंह जी आपको सब कुछ त्याग कर मने मने माया नहीं चाहिए, मने माया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए माया, मने माया नहीं चाहिए। तेरा सुमिरन तेरा दर्शन यही आधार मेरा, इसके बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। तेरा सुमिरन तेरा दर्शन यही आधार मेरा, इसके बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। तेरा सुमिरन तेरा दर्शन यही आधार मेरा, इसके बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं।
बार मेरा, इसके बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। तेरा सुमिरन तेरा दर्शन यही आधार मेरा, इसके बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। कीर्तन करता हूं यार, अपनों सब कुछ त्याग कर भगवान नारायण की सेवा पूजा में लीन हो गया नरसिंह मेहता। जूनागढ़ के बाहर अपना महल मान लिया अपने रिश्तेदारों ने देकर, जूनागढ़ के नगर के बाहर एक सूखे पत्ते की झोपड़ी बनाकर भी मैं अपनी पत्नी मानक गौरी के साथ रहने लग गया। पुत्र श्यामल दास की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। नानी को विवाह श्रीनंद राय जी के बेटे बसंत राय जी से कर दियो। अब जीवन में और कुछ नहीं, बस पति पत्नी दोनों। अपने पास एक धेलो भी बचाकर नहीं रखा, सारों को सारो अपने रिश्तेदारों में पड़ोसियों में सब में बांट दियो महाराज। और अब जीवन को एक ही उद्देश्य रहो, भिक्षा मांगनो और जितनो पेट में चाहिए वितनी भिक्षा मांगनो और वितनो ही खानो और वितनो ही रहनो। चार गली को गांव वो जूनागढ़, सोमवार में एक गली में भिक्षा मांगता, मंगलवार में दूसरी, बुधवार में तीसरी, गुरुवार में चौथी और शुक्रवार में फिर पांचवी पहली गली। अब तो रोज भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे पर खड़ा देकर लोग नरसिंह देखता ही दरवाजा बंद कर लेता, भिक्षा भी नहीं देता। नागरवंशी ब्राह्मण था, 16 सूरदासियों की टोली नरसिंह जी के आगे आकर बैठ गई। बोले नरसिंह जी माने जी माओ। नरसिंह जी बोलने लग गया, हे भगवान यो कुलसो धर्म संकट है, मैं तो खुद ही नहीं जी पा रही हूं, मैं तो खुद मेरे कने अन्न को दानो नहीं है, मैं खुद आपको पेट नहीं भर पा रही हूं, आने कड़ से जी मांगूंगा। 16 सूरदास कहने लग गया, महाराज भिक्षा मांग कर दिया थे आपके लिए, लियाओ बेटे थोड़ी ज्यादा लियाओ, थे भी खाओ और माने भी खुआओ। गिरता पड़ता सूरदासिया ने देखा, 16 सूरदासिया ने नरसिंह जी से रहो नहीं गयो। नरसिंह जी कहने लग गया, हे ठाकुर अगर या भी तेरी सेवा है या भी तेरी इच्छा है तो मैं ही में भी राजी। और नरसिंह जी जो भी भिक्षा आती भी मैं बनाता, पहली 16 सूरदासिया ने पति माणी को जिमाता और फिर जो बस्तो भी मैं स्वयं खा लेता। अब तो हालत यह थी कि भिक्षा भी नहीं मिल रही। जब कोई के अठे मौत होती और 12 ब्राह्मणों को जू तो नरसिंह जी की एक शर्त रहती, महाराज में 12 नहीं में 17। एक तो 16 सूरदास, एक नरसिंह जी खुद हो गया 17। और पत्नी माणिक गौरी को टिफिन मांग कर लेता, बोले कि भाई बाबी घरा है भी तेरी बामणी ने भी जिमा दो, ब्राह्मण ने जिमा दिया। नरसिंह मेहता 18 लोगों के लिए जीवने जाता महाराज, जिक्र भी जाता। और गांव में मौता को नहीं हुई, 16 दिन से नरसिंह मेहता 16 सूरदासियों के साथ में भूखा प्यासा भजन कर रहा है। ठाकुर ने कह रिया है नारायण कि ठाकुर थारे मास में दो एकादश हो, मैं थारा बनकर देखिया कि मारी अनंत एकादश हो। हे भगवान थे आपके जो महीनों बनाए हुए, महीना में दो एकादशी बनाई, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, परंतु मारे तो जी दिन भिक्षा मिल जाए वी दिन बारस, और जब तक भिक्षा ना मिले तब तक ग्यारस है। 16 दिन हो गया, 17 दिन हो गया, 18 दिन हो गया। नरसिंह जी आपके सूरदासा के सागे भूखा प्यासा आपके ठाकुर के आगे कीर्तन कर रहा, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, यो बांके बिहारी
मेरो है, जो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नरसिंह जी झोपड़ी में धीरे धीरे आवाज में कीर्तन कर रहा, सोला सुरदास प्यास से ईसा व्याकुल हुआ, पानी पी पी कर भी कंठ सुखियो जा रही है, कुछ नहीं सूझ रहे हो, भगवान के भजन में मन नहीं लाग रहे है महाराज। नरसिंह ठाकुर ने मनाने में तलीन है, सोला सुरदास के मुंडा से आवाज भी नहीं निकल रही, परंतु नरसिंह जी जरूर गा रही है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, यो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, यो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अठीने तीन साधुड़ा द्वारकापुरी की यात्रा करने के लिए निकलिया, मन में विचार करने लग गया, अरे भाई इतनो सारो आपने साथ में धन आप एकत्रित करके ले आया हां, वो धन भी धन की आपा कोई सेठ ने देकर हुंडी बना ले मां, सुनियो है द्वारिका के रास्ते में बहुत चोर डाकू लुटेरा है, अगर कोई आपने लूट लेवे गो, इसे अच्छो है कि धन ने देकर ई पोटली ने देकर आपा पोटली के मायने सारो धन एकत्रित करके एक हुंडी बना ले मां, जूनागढ़ के मायने प्रवेश कर तीन साधु और सामने देखे एक नाई बैठे है, भी नाई से पूछने लग गया, अरे भाई कोई बताओ ई जूनागढ़ के मायने कोई नगर सेठ ईसो है जो माने हुंडी बना देवे को, वो नाई कहने लागो भाई मस्करी करने की मन में आई, और नाई बोलियो अरे भाई हे साधुड़ा अगर थाने नगर सेठ से मिलना है तो इन नगर के बाहर एक सूखे पत्ते की कुटिया मिलेगी झोपड़ी बटे चले जाओ, बटे सेठ नरसी मेहता रहे है, थारी हुंडी तो वो ही सकरा सके है, थे जाकर भी सेठ ने आपका धन दे दियो और आपकी हुंडी लिखवा लियो। तीनों साधुड़ा के मन में जची और तीनों साधुड़ा नरसी मेहता की कुटिया की ओर चलिया, नरसी जी आपकी कुटिया में बैठिया कीर्तन कर लिया, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नरसिंह जी ओ नरसिंह जी, नरसिंह जी आपके कीर्तन में मगन था, साधुड़ा फेर आवाज लगाई, नरसिंह जी ओ नरसिंह जी, साधुड़ा
साधुड़ा जाकर दरवाजो खटखटायो, नरसिंह जी, अरे ओ नरसिंह जी। कौन है भाई? साथ को सूर्या ध्यानदास के एकदम बाछा खिल गई। ध्यानदास कहने लगे, अरे नरसिंह जी जल्दी जाओ, जल्दी जाकर दरवाजो खोलो, यहां लाग रही है जाने कोई न्यू तो दे बनायो है न्यू तो। हाँ नरसिंह जी धीरे धीरे, भूखा प्यासा नरसिंह जी धीरे धीरे उठ्या और जाकर दरवाजो खोलियो। अरे नरसिंह जी कौन है थे? नरसिंह मैं हूं भाई, नरसिंह तो मैं हूं। अच्छा तीनों साधु आपस में बात करने लगे, अरे देखो देखो कितो चालू है, हैं इतो बड़ो सेठ होकर यहाँ का फटा पुराना कपड़ा पे राख्यो है। दूसरो साधु कहने लगे, अरे राजा के कर के डर से यो यहाँ करियो है। हाँ धन वालो है पर धन दिखावे नहीं, बड़ो ही सीधो सेठ दिख रही है यो तो। हाँ हे साधुरा, हे संत श्रेष्ठ, किन कारण से मेरी कुटिया में आनो करियो है? अरे सेठ नरसिंह जी एक काम लेकर थारे कने आया। हाँ 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 भाई बोलो, के काम है? अरे नरसिंह जी यो महारो या महारे धन की पोटली सब आप राख लो, ये महारे जिंदगी भर की कमाई है और भाने एक ऐसी हुंडी लिखकर दे दियो जो मैं द्वारका में जाकर या हुंडी की चिट्ठी बैठे देवा और आपको धन बैठे पा लेना। नहीं भाई मैं गलत पते पर आया हूं, यो यो धन थारो थे राखो, यो धन मेरे कोई काम को नहीं है, क्योंकि ना तो अब मैं सेठ रहे हूं ना तो अब मैं सेठ रहे हूं और ना ही मेरी कोई हुंडी चिट्ठी अब चाले है। अरे सेठ नरसिंह क्यों यहां कर लिया हो? ध्यानदास कहने लगे, अरे नरसिंह जी आप ही लक्ष्मी ने क्यों मना कर लिया हो? इतना टूट विश्वास भी सांवरसा के ऊपर रखो हो तो भी सांवरसा के ऊपर सब छोड़ दो ना, वो सांवरसा जरूर हुंडी से कारे दो। नहीं नहीं ध्यानदास, मैं अच्छी तरह से जानू हूं मेरे द्वारिका के मायने कोई नहीं है, मैं सो गलत काम नहीं कर सकूं। देखो नरसिंह जी अगर यह हुंडी थे नहीं लिखिया, मारे सोलह सूरदास से अगर मैं भूख से अगर मर जाऊंगा तो मारे ब्राह्मण ब्रह्महत्या को पाप थारे लागेगो। नहीं नहीं ध्यानदास अय्या मत कहो। अरे नरसिंह जी थाने समझा रही हो, क्यों नहीं समझ रहे हो? थे वो धन ले लो और हुंडी लिख कर दे दो। भगत वत्सल हरि सारे सब काज, भगत वत्सल हरि सारे सब काज, नरसिंह जी रे हुंडी की ठाकुर जी ने लाज, नरसिंह जी रे हुंडी की ठाकुर जी ने लाज। जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि। बार बार ध्यानदास ज्ञानदास नरसिंह जी ने मनाने लग गया, जिद करके जब ब्रह्म हत्या के पाप के बारे में बोलिया तब नरसिंह जी हुंडी लिखने के लिए तैयार हुआ।
आख्या में आंसू डारी धार, करता भी तो के करता, वो सारो को सारो धन, वो सारो को सारो धन लेकर और हुंडी चिट्ठी लिखने के लिए बैठा है। ठाकुर ने मनावन लागया, हाथ में कलम और दवात लेकर जूही लिखने के लिए बैठा, आख्या से आंसू ना ढलकाता हुआ नरसी रो रो कर हुंडी चिट्ठी लिखने लागया। नाथ द्वारिका में नहीं मारी कोई रे दुकान, थे ही आड़तिया बनो और करो भरो भुगतान, करो भरो भुगतान। अरे नरसिंह जी चिंता मत करो, ठाकुर खुद ही थारी लाज रखेगो। और साधुड़ा तो बठे से हुंडी चिट्ठी लेकर चलिया गया और द्वारिका की राह ले लिया। नरसिंह जी आपके ठाकुर ने मनावन लागया, उम्हारी लाज रखो गिरधारी रे सावरा गिरधारी, हमारी लाज रखो बनवारी रे सावरा गिरधारी, उम्हाने सिकारो महाराज रे सावरा गिरधारी, मारी होड़ी सिकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। बांध पगा में घूंघरू और हाथ लिए खड़ताल, दीन बंधु यदुनाथ को अब नरसी राहा पुकार रे सावरा गिरधारी, मारी लाज रखो बनवारी रे सावरा गिरधारी, मारी लाज रखो बनवारी रे सावरा गिरधारी। जय हो भगवान नारायण को ध्यान करता हुआ नरसिंह जी आपको जीवन यापन करने लग गया। कुछ ही दिनों में वो सारो हुंडी को लियोड़ो धन खा पी कर पार हो गयो। नरसिंह जी फिर से फकाटा हो गया और आपकी 1600 के सागे भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लग गया। अठी ने ये तीनों साधु द्वारकापुरी पहुंचा, बेट द्वारका में स्नान करियो और स्नान करके जाकर देखे काई भूख लग रही है। अरे भाई मोहन एक काम करो, सबसे पहले भी सेठ सामरसा ने ढूंढो जो या हुंडी सिकारे को, आप रो धन साथ में ले लियो, फिर बढ़िया आराम से बढ़िया सराय के मायने विश्राम करांगा,
फिर द्वारकाधीश का दर्शन कराऊंगा और खूब बढ़िया से भोजन कराऊंगा। भाई भूख लाग रही है, चलो चलो आप पूछा सबने। अम्मा जी थे जानो सेठ सावण सकट है। अरे ओ भैया जी, ओ भाई साहब, आप जानो कटे है सेठ सावण सा कटे। सेठ सावण सा पूरो को पूरो द्वारका पूरी छान लिया, एक एक ने पूछ लिया, कोई भी सेठ सावण सा को पतो बताने के लिए तैयार नहीं। एक बूढ़ो सो व्यक्ति जो चौपाल पर बैठे थो बिने भी जाकर पूछ लिया, बिने भी जाकर पूछ लिया। सब कोई एक ही बात कहता, सेठ सावला सा नाम को सेठ ई पूरी द्वारका में नहीं है, सेठ सावला सा नाम को सेठ ई पूरी द्वारका में नहीं है। आपके किस्मत में कोसता हुआ सब द्वारकापुरी में आकर बैठ गया। अरे आपा तो लुट गया, अरे आपा तो बर्बाद हो गया, अरे काई करा काई करा काई करा। अरे देखो तो सरी, मैं तो पहले ही बोल रही हो वो फकाट दिख रही है सेठ, यो यो मोहनियो ही कहे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करके कि वो यो फकाट सेठ अंदर से पूरा माल रखे। मैंने तो पहले ही शंका हो रही थी, अरे नहीं, अरे आपनो धन तो लुट गयो, अरे आपा तो बर्बाद हो गया। अरे सगड़ा माथो कूटता हुआ बड़ा बैठे रहे, राह देखता रहा, आप आपके एक दूसरा ने दोष देता रहा। मोहन जी को नाम हो वो कहने लगे, अरे भाई सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए भगवान के ऊपर भरोसा रखो, द्वारकाधीश सब भली कर सी। आपा लुट गया, आज अठे आपा ने भिक्षा मांगने की पाड़ी आ गई। आपने जीवन भर की पूंजी आपा भी सेठ के हाथ दिया था, मैं सेठ पूंजी आप रख ली, अब तो वो खर्ची भी कर दियो होसी, अब तो आपने कने दिखाने बताने कुछ नहीं बचो है। इतने में देखे है एक सांवलो सो बड़ो सुंदर सो, सांवलो सो बड़ो सुंदर सो एक युवक मटकतो 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 बैठे आ रही है। अरे भाई माथे के हाथ लगाकर क्यों बैठे हो? अरे भाई काई बतावा, मारे मन की पीड़ा था, मैं काई बतावा, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे 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 काई हुई हो बात तो बताओ। कठे थे जूनागढ़ से आयोड़ा साधु थे ही तो नहीं हो? हैं? तने क्या मालूम कि मैं जूनागढ़ से आया हूं? मैं ही तो हूं सेठ सावण सा, मैं ही थाने ढूंढतो ढूंढतो अठे आ गए हूं। अरे अरे मोहन, अरे देख रे, अरे देख रे, अरे 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 सेठ सावण सा आ गए हो, अरे देख, अरे देख सेठ सावण सा आ गए हो, सेठ सावण सा आ गए हो, सेठ सावण सा आ गए हो। बांध चुनर की पागड़ी कलम कान में डाल और सावण सा को रूप बनाकर आई गयो गोपाल। अरे वाह बड़ो फूट रो है रे तू तो है? जनाई मैं सोचू अटी ने मुनी में सगड़ो माल खा रिया है और सेठ फकाट हो रिया है सगड़ा है? है? अब समझ में आई, तू तो घड़ा चोको है, बहुत ही फूट रहा है। है ले भाई ले ले ऊंडी चिट्ठी ले और मारी धन की पोटली दे। हाँ हाँ और या धन की पोटली थारी। धन मिल गया, देख देख देख
पूरी 400 मोहरा है ना। हाँ। अच्छा तो मैं चालू, बस एक बात करना, अब कह रहे क्यों मेरे सेठ से जाकर मेरी शिकायत मत करना, मेरे आने में थोड़ी सी देरी जरूर हो गई पर मेरे सेठ से जाकर मेरी शिकायत मत करना। अरे नहीं रे, अरे तू तो घणो फूट रहा है, अरे मारो काम हो गया, मारी हुंडी सिकर गई, अब माने और काई करना है। चलो 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 सेठ सामने सा बड़े सा चलिया गया। तीनों साधुड़ा आपको धन पाकर अति प्रसन्न हुआ, प्लानिंग होने लगी, विचार करने लग गया कि महाराज चलो खूब मजा करेंगे, तो आपको धन मिल गयो, इसे ज्यादा और कहीं चाहिए। विचार हुयो, मन में विचार हुयो कि चलो आज तो आप मालपुआ और जलेबी खाशा, कोई बोले नहीं नहीं खीर जलेबी खाशा। खूब सारो दान करिया, खूब स्नान दान करिया, द्वारकापुरी गया, द्वारकापुरी का दर्शन करिया, भगवान द्वारकाधीश का दान भी करियो, भी हुंडी में सही, भी धन में सही, भी 400 मोहरा में सही, और भी के बाद में पाछा लेकर आया। संजा ने खा पीकर आराम से बैठिया और बचेड़ी राशि मोजन लग गया। जब पूरी हुंडी खोली और गिनन लग गया तो कहीं देखे है, अरे ये तो पूरी 400 है, है? पूरी 400, हाँ भाई पूरी 400 है, लगे है वो जो सावण सा है वो गेलो है गेलो, वो आपने हुंडी में ज्यादा मोहरा दे दी। जनाई मैं सोचूं एड़ा गेला मुनीम जी का हुए, सेठ तो फकाटी हो सी और हुए कहीं है। सेठ ने फकाट सुनकर सगड़ा आपस में घने ही राजी हुआ, 400 मोहरा ले ली, बार बार गिन रहा है मोहरा ने, बार बार गिने तो वह 400 ही भरे, पाछी आपकी पोकली में डालिया और भी मोहरा ने लेकर पाछा दूसरे दिन की तैयारी में लग गया। दूसरे दिन और खूब सारो खानो खायो, खूब दान पुण करियो, खूब सारो सब कुछ करियो, और रात ने फेरू बैठकर मोजी, फेरू में मोहरा 400 भरी, अक्षय मोहरा अक्षय थैली सेठ सावण सा साधुड़ा ने देकर गया। साधुड़ा मन में विचार करने लगो, अरे भाई यो भी कोई देनो है, आपने चलते हुए वापस जाते समय जूनागढ़ से ही जानो है, और नरसिंह मेहता से ही बात की शिकायत आप जरूर कराऊंगा, अरे यो भी कोई होंगी शिकार डो है। अरे भाई मोरा कितनी भी खर्चा कर लियो खत्म ही को नहीं हो रही है, तो है ऐसे कोई बात हुई, चलो आप सब चाल कर नरसिंह मेहता के जूनागढ़ चला। दर्शन करके द्वारिका से पाछा चालिया तीनों साधु, और अठीने नरसिंह जी आपके सूरदासिया के साथ में कीर्तन कर रिया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, यो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, यो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नारायण हे गटगट की चाटे वाला ते तो जानो हो, रो रो कर नरसी कहन लग गया, सेवा पूजा बंदगी सकल तिहारे हाथ, हम तो कछु जानो नहीं हे जानो यदुनाथ। ए कन्हैया द्वारिका वाया, ऐसे सावर सा
અને તે જાણો હોય વાત રે નાથ દ્વારિકા મે નહીં મારી કોઈ રે દુકાન થે હિયાડતિયા બણો કરો મારો ભુગતાન કરો મારો ભુગતાન નહીં મેરી લાજ તારે હાથ હૈ એ નરસિંહ કી લાજ તારે હાથ હૈ હે નારાયણ હે કૃષ્ણ કનૈયા હે ચાવળ સા ગિરધારી મારી લાજ રખો મારી લાજ રખો ગિરધારી રે સાંભળા ગિરધારી